और खबर राजधानी पटना से है, जहां एक बार फिर से अपराधी बेखौफ नजर आए हैं। और राजधानी पटना के पॉश इलाके माने जाने वाले कंकड़ बाग में फायरिंग की घटना हुई है। आपको बता दें कि मकान मालिक और किराएदार के विवाद में यह फायरिंग की घटना हुई है। किराएदार उसके साथ आए लोगों ने फायरिंग की है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंकड़बाग थाना अंतर्गत रामलखन पथ से सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा जो है हवाई फायरिंग किया गया है। इसमें सूचना का सत्यापन करने के बाद ये चीज जो है सामने आई है कि विवाद था किराएदार और उनके मकान मालिक के बीच में। किराएदार है वो यहाँ पर पिछले 4 साल से रह रहे थे और उन्होंने 3-4 महीने से कमरा बंद रखा हुआ था। ना तो उनके द्वारा कमरा जो है खाली किया जा रहा था, ना ही उसमें पैसा दिया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आज जो है झड़प हुई और जो किराएदार है उनके द्वारा जो है हवाई फायरिंग। उनके साथ 2-3 अभियुक्त और साथ में थे। सीसीटीवी फुटेज सब कलेक्ट कर लिया गया है। इसमें बाकी अभियुक्तों की भी पहचान